Let's spread the knowledge of the truth. कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है, किसी पैगंबर का भी नाम नहीं दी दबाया। हाँ सारे पैगंबरों के नाम जमा करें ना, जितनी दफा रिपीट हुए हैं उससे ज्यादा शैतान का नाम आया हुआ है। तो आपको निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो भाई मेरे कहा था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप अभी आए हैं घर में दाखिल हुई हैं, तो मैं ये वीडियो देख रहा था तो मेरे दिन में अचानक आया कि क्या कोई बहुत क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं हजरत हमारे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब। हाँ जी। तो ये जो इन्होंने कहा है कि शैतान का जो नाम है जी जी कुरान मजीद में इतना ज्यादा आया है कि तमाम अंबिया के नाम आप मिला लें, तो मैं फौरन गया तंजील.net पे। अब देखें ना ये चीजें तो मुश्किल नहीं रह गई। अब आप तंजील पे देखें, ये शैतान का लफ्ज मैंने डाला है और इसके बाद अब आप देखें फौरन इसने रिजल्ट्स दे दिए कि शैतान का जो लफ्ज है वो तकरीबन 63 आयात में आया है और 70 टाइम्स आया है। ठीक है ठीक है। अब इसके बाद आप सिर्फ मूसा का नाम देखें, हजरत मूसा का आप डालें और आप सर्च डालें तो ये रिजल्ट दे रहा है कि 136 टाइम जो है मूसा का नाम, शैतान के नाम से 2 टाइम्स जो है मूसा अलैहिस्सलाम का नाम हमें मिल रहा है, सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। और इनका कहना ये है कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा कुरान मजीद में नाम जो है वो शैतान का आया है और इवन तमाम पैगम्बरों को मिला ले तब भी नहीं। माफी दे के मतलब ये है कि इनके दिन में ये होता है, पता नहीं अगले ने कोई रिसर्च तो थोड़ी करनी है। अगले कुछ मतलब ऐसे लगता है जैसे एक बंदा को बहुत क्वांटिटेटिव रिसर्च करके बैठा है। इसमें इंशाल्लाह अज़ीज़ डॉक्टर साहब हमारा है मेरे ख्याल एक प्रोग्राम दोबारा करते हैं और आई थिंक लेट्स वी नीड टू डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स, हमें कुछ चीजें और भी कवर करनी है इनके बारे में इंशाल्लाह। तो सून इनफ हम इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम करते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।